आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बैलून है, वो बैलून में इथाइलिन गैस है और वो बैलून को एक होल करके H2 गैस का टैंक में छोड़ दिया था। तो अब हमें पूछ रहे वो बैलून श्रंक होगा, यानी तो एनलार्ज होगा, यानी तो कम्प्लीटली कोलैप्स होगा, यानी तो रिमेंस अनचेंज्ड इन साइज, उसका साइज में कुछ चेंज नहीं रहेगा। हमको ये पूछ रहे फाइंड आउट करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ इक्वेशन हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ओवर मोलर मास m। इसका मतलब ये है कि जब मोलर मास कम रहेगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। अब इस क्वेश्चन में इथाइलिन दिया गया है और H2 गैस दिया है, H2 गैस का वेट मोलर मास कम है तो ये ज़्यादा डिफ्यूज होगा। सो जब बेलून H2 टैंक में डालेगा तो H2 गैस बेलून के अंदर जाएगा, जब बेलून के अंदर H2 गैस जाएगा उसका साइज इंक्रीज होगा यानी एनलार्ज होगा। देयरफॉर H2 गैस विल डिफ्यूज इनटू द बैलून विल डिफ्यूज। देयरफॉर उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि H2 गैस उसके अंदर चल गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।